कर रहे हैं बैठकर, और ये केंद्र सरकार का ये निर्देश है कि जितने भी ब्लड बैंक हैं उनमें जो भी रक्त का संग्रहण किया जाए, ज्यादातर संग्रहण 70% से ज्यादा संग्रहण रक्तदान शिविरों से किया जाए। और हाँ, ये जन्म दिवस पे हमेशा दीनदयाल जी रक्तदान करते हैं, डॉक्टर साहब हमें याद दिला रहे हैं, लेकिन हम लोग भूलने वाले थे, हमें मालूम है, और हम लोग को खबर छापने वाले लोग हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि भाई साहब अपने जब भी इनका जन्म दिवस होता है रक्तदान जरूर करते हैं, पहला काम उनका यही होता है। और राज्य सरकार के प्रतिनिधि रूप में भी दीनदयाल जी यहाँ मौजूद है, डॉक्टर साहब ने अभी कुछ मानती हूँ कि हमारे चंद्रपाल जी से और दीनदयाल जी से उन्होंने अपेक्षा की है, मैं समझता हूँ कि जरूर वो पूरी होगी। रक्तदान शिविर को पहली बार आयोजित नहीं हो रहा है ये, लेकिन ये जो इस बार का रक्तदान शिविर है, खास बात ये है कि दैनिक जागरण की सहभागिता इसमें है, और इस वक्त सीपीएम मॉडल जो है एक गवर्नमेंट ने भी उसको विकसित किया है कि सरकार और आप सब आम लोग उसमें जब जुड़ जाते हैं तो कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है। ये जोड़ने का जो काम है इसमें सहभागी हमारा जो सहभागिता है वो दैनिक जागरण की है। डॉक्टर साहब खुद हमसे कह रहे थे कि यार हम अकेले ये काम नहीं कर सकते थे, इतनी संस्थाओं को जोड़ने का काम, रजिस्ट्रेशन इतने नहीं हो पा रहे थे उनके, और अभी 3-4 दिन पहले ही उन्होंने हमें कहा था कि जितना हमारा टारगेट होता है उससे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें इतना नहीं लग रहा कि बहुत एकदम भूल टूट गई जैसे तुम कह रहे हो। लेकिन कल इनका हमारे पास फोन आया शाम को, अनूप अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम 50-60 लोगों को रक्तदान के लिए लेके आ रहे हैं, ऐसे ही कई संस्थाओं ने इनसे कहा। तो कल इन्होंने हमसे कहा कि यार अंजुम जी क्या कर रहे हो आप, ये तो कह रहे हैं हम समेट ही नहीं पाएंगे इतना रक्तदान, तो हम किस तरह से, एक महीने में खून खराब हो जाता है, रखा नहीं रह सकता है। हमारे अशोक अग्रवाल जी, इन्होंने तो बकायदा रैली निकाली, गढ़ोई गौरव, राजन पटवारी जी, ये सब ऐसे लोग हैं कि जागरण की पहल पे एक आवास पे इन्होंने इतना ज्यादा, उसको कभी दूसरी तरह लिखा था कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो, वो पत्थर उछालने का काम दैनिक जागरण ने किया है। और आप सब लोग जो के जिनके बिना ये संभव नहीं था, खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर, हम लोग खुशबू हैं, आप लोग हवा हैं, आपके साथ मिलकर ही हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, चाहे वो जागरण हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, आईएमए हो। हमारे मनीष जैन साहब बैठे हुए, डॉक्टर मनीष जैन साहब अब तो आईएमए के अध्यक्ष हैं, जब नहीं हुए तब भी बहुत समाज सेवा के बहुत सारे कार्यों में इनका और इनके पिताश्री का बहुत सहयोग, सक्रिय सहयोग हमेशा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब ये स्थिति बनी कि डॉक्टर साहब परेशान हो गए कि यार इस रक्त का हम क्या करेंगे। एक शेर कवि असल कुमार ने लिखा था कि दुआ बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को, ये स्थिति हो गई है। ये बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम है, हम लोग कुछ संस्थाओं का यहाँ पे सम्मान देना चाहते हैं प्रतीकात्मक रूप से, जो कि वर्ष भर रक्तदान शिविरों का आयोजन करते हैं, 10 बार से अधिक जिन्होंने रक्तदान किया है उनके नाम डॉक्टर साहब ने बड़े प्रयास से बड़े प्रयत्न से इकट्ठे किए हैं, उनको हम लोग यहाँ सम्मान देना चाहते हैं। वो लिस्ट हमारी बहन के पास है, एक एक करके नाम यहाँ बुलाएंगे और उनका सम्मान हमारे माननीय अतिथि, उसके बाद हमारे अतिथियों का उद्बोधन, और ये बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम यहाँ खत्म होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दैनिक जागरण की ओर से पहले ये हमारे जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि है उनका सम्मान, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि फलों की टोकरी देकर सम्मान किया जाना है, तो फलों की टोकरियां यहाँ मौजूद है, हम लोग दैनिक जागरण की तरफ से उनको देना चाहते हैं। हमारी कंचन आहूजा जी यहाँ बैठी हैं, बहुत बड़ी समाज सेविका है, उन्होंने भी कुछ अतिरिक्त दो टोकरियां उनकी ओर से भी है, वो भी हम यहाँ अतिथियों को अपने देंगे। और हम चाहते हैं कि ये काम पहले कर दिया जाए डॉक्टर साहब से, जो कि मरीज जैन साहब जो कि हमारे जी, अच्छा निकल रहे हैं क्या, तो कितने बजे है, ठीक है। तो ये टोकरी के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी फलों की टोकरी डॉक्टर साहब दीना साहब से हम अनुरोध कर रहे हैं, हमारे मनीष जैन साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि सबसे पहले यशोवर्धन जी जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और उन्हीं की ओर से ये सम्मान दिया जाना है मुख्य अतिथि को, तो उनको फलों की टोकरी प्रदान करके और ये सम्मान हम देना चाहते हैं। आदरणीय यशोवर्धन जी, आप नहीं सर, सर। नहीं, आप भी ये। जी को जो कार्यक्रम के फलों की टोकरी देकर सम्मान किया जा रहा है उनका। मैं
भैया जी के यहाँ एक पीने चले गए। मैं दीप बारा जी के लिए भी ऐसी ही एक फल की टोकरी मैं चाहता हूँ। जैसे वर्धन जी हमारे विशिष्ट प्रतिनिधि हैं आज के दीप नारायण जी, उनको भी खाते होंगे आप। हमारे पास जो है हमारे दो ही अतिथि हैं, बाकी तो हमारे अध्यक्षता कर रहे थे यशोवर्धन साहब हैं। मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि हाँ वो नहीं, ये तो आपकी है, वहाँ बहुत है, बहुत फल आ गए, बहुत संस्थाओं में बहुत फलों का सहयोग, जूस मूस का बहुत सहयोग। ये मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फलों की टोकरी है वो हमारे मनीष जैन जी, एक इनको भी टोकरी दी जाए फलों की। नहीं नहीं आपको भी दिया जाए क्योंकि ये टोकरियाँ ज्यादा आ गई। यशोवर्धन गुप्त जी से, लीना साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे मरीज जैन जी जो कि डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है आईएमए में, वो बिल्कुल सक्रिय रूप से हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल है। आप बैनर पे भी नाम देख रहे होंगे। और नीति शास्त्री जो कि हर कार्यक्रम में वो यहाँ हमारे रहती है, उनको लिए फलों की टोकरी देकर हम सम्मानित करना चाहते हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे मुख्य अतिथि से, हमारे अध्यक्ष से, कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि से, कि नीति जी को सब लोग मिलके देंगे तब तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष जी का हाथ, अध्यक्ष जी का भी हाथ, यशो भैया दूर से आशीर्वाद दीजिए। हम ये चाहते हैं चूंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को जाना है, एक टोकरी शायद और रह गई है। मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब एक टोकरी डीना साहब को दे दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है, बड़े बड़े श्रम से, बड़ी मेहनत से इन्होंने ये कार्यक्रम आज का आयोजित किया है। मैं आदरणीय यशोवर्धन जी से, चंद्रपाल जी से, दीप नारायण जी से, हालांकि वो आज के इस कार्यक्रम के मेजबान है, लेकिन उसके बावजूद उनको ये फलों की टोकरी प्रदान की जा रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम कुछ संस्थाओं को सम्मानित करना चाहते हैं, संस्थाओं की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमारे अतिथियों को जाना तो हम प्रतीकात्मक रूप से दो चार सम्मान उनके हाथों से दिलाना चाहते हैं और फिर उनका उद्बोधन और उसके बाद ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मैं ये संजय पटवारी जी जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से राजेंद्र पटवारी जी जो जिन्होंने कल रैली भी निकाली है रक्तदान जागरूकता के लिए, वो यहाँ आए और उनका समाज पत्र कहाँ है दीजिए। बड़े भाई है, हाँ हाँ संजय जी के बड़े भाई हैं ये। सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब कहाँ है आपके सर्टिफिकेट? डॉक्टर स्वाति को सर्टिफिकेट आ गए।